कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी, हर शख्स के जहन में यही सवाल उठ रहा है। भारत इस समय तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। इस बीच एक राहत भरा अनुमान सामने आया, ICMR का मॉडल आपकी टेंशन को कम कर देगा। वायरस की चाल का विश्लेषण करने के बाद ICMR ने अनुमान लगाया है कि 11 मार्च तक कोरोना का सुस्त पड़ना जाहिर है। ना केवल सुस्त पड़ेगा बल्कि पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएगा। क्या होती है एंडेमिक स्टेज और कैसे ये शुभ संकेत हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से जंग के मोर्चे पर शुभ संकेत, ICMR का टेंशन कम करने वाला अनुमान। मार्च तक सुस्त पड़ जाएगा वायरस। देश कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजर रहा है। तीसरी लहर को लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक जो वायरस की चाल सामने आई है वो दूसरी लहर जितनी भयानक नहीं है। शुरुआत में मामलों में उछाल तो तेजी से आया, लेकिन फिर मामले बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी। हालांकि आज फिर से मामलों में उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में 2,82,970 केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले 18.9% ज्यादा नए केस, रिकवरी रेट 93.88% है। दिल्ली में हाँ, मेरे को पता है कि पिछले कुछ दिनों में आप आंकड़ा देखे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन का आंकड़ा देख के ऐसे कोई सिद्धांत या निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हमें पता करना है तो 3 टाइम पॉइंट्स डेटा जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा 3 हफ्ते तक इंतजार करिए और देखिए वो ट्रेंड जारी रहता है, क्योंकि 11 दिसंबर को देश में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया था। ICMR का अनुमान है कि 11 मार्च तक कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ जाएगा और ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ेगा। नया कोई वेरिएंट निकल के नहीं आया तो 11 दिसंबर हमें पहले जो रिपोर्ट है ओमिक्रॉन का वो देखने को मिला इंडिया से, और उसी से हम पकड़ लेते हैं कि 3 महीना तो 11 जनवरी, 11 फरवरी एंड 11 मार्च, मान लीजिए कि मिडिल ऑफ मार्च महीना के अंदर ये आंकड़ा जो ऊपर उर्ध्वमुखी आंकड़ा हम देख रहे हैं ऊपरी तरफ जा रहा था वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये भी संभावना है जरूर कि वो एंडेमिक। कोरोना के पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ने का अनुमान पूरे देश के लिए शुभ संकेत है। अब ये भी समझ लीजिए कि महामारी की एंडेमिक स्टेज होती क्या है। कोरोना फिलहाल पैंडेमिक स्टेज में है। पैंडेमिक मतलब संक्रमण तेजी से और व्यापक स्तर पर होता है। एंडेमिक स्टेज में संक्रमण मध्यम या कम स्तर पर होता है। मामलों में खतरनाक स्तर पर कोई इजाफा देखने को नहीं मिलता। एंडेमिक स्टेज में लोग धीरे धीरे बीमारी के साथ रहना सीख लेते हैं। ICMR के अनुमान से पहले IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल भी राहत का अनुमान लगा चुके हैं। उन्होंने अपने मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर का अंत फरवरी महीने में हो जाएगा। 23 जनवरी तक पीक आ सकती है, लेकिन पीक के दौरान मामले 4 लाख से नीचे ही रहेंगे। भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपने पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। भले ही ICMR का अनुमान है कि 11 मार्च तक वायरस कमजोर हो जाएगा और एंडेमिक स्टेज आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानियां छोड़ दें। एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि जब तक एक भी एक्टिव केस है तब तक हमें सावधानी और सतर्कता का साथ नहीं छोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के खिलाफ युद्ध में कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, वो हेल्थ वर्कर्स हों या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबने इस लड़ाई में डटकर अपना काम किया है। पोस्टमैन की भूमिका में भी बदलाव देखने को मिला। खबर गया से है जहां पोस्टमैन संदेशों के साथ साथ सेहत की सौगात भी लोगों को बांट रहे हैं। जो लोग संक्रमित हैं और घर में आइसोलेट हैं उन्हें मेडिकल किट पहुँचाने का काम डाकिए कर रहे हैं।
संदेशों के साथ डाकिये अब घरों तक सेहत की सौगात भी पहुंचा रहे हैं। जिस डाकिये का इंतजार हर घर को होता है, वो डाकिया कोरोना के मुश्किल वक्त में उम्मीद बांटने निकले हैं। कोरोना काल के संकट ने डाकियों का किरदार भी बदल दिया। श्रीधर साइकिल से हर रोज यूं ही घर से निकलते हैं, लेकिन इनके थैले में चिट्ठियां नहीं, कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल किट होती है। बिहार में गया के दूरदराज गांव तक श्रीधर की सेवाएं पहुंच रही हैं। सुबह की पहली पाली में 10 से 2 बजे वो चिट्ठियां बांटते हैं, उसके बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीधर नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। दोपहर बाद श्रीधर को संक्रमित मरीजों की लिस्ट और मेडिकल किट मिलती है, जिसे लेकर वो गांव का रुख करते हैं। हर दिन 6 से 7 लोगों तक श्रीधर की वजह से मेडिकल किट और जरूरी मदद पहुंचती है। श्रीधर भी अपनी इस नई भूमिका से काफी खुश हैं। मैं कोरोना किट देने आया हूं एपी कॉलोनी में, और पहले स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट बांटता था, और अब ड्यूटी 4 बजे समाप्त होने के बाद भी पुनः सर हमें यहाँ आए हैं बांटने के लिए कोरोना किट का मेडिकल दवा। गया में कोरोना मरीजों तक मेडिकल किट आसानी से पहुंच सके, इसके लिए डाक विभाग ने ये पहल की है। इस काम में 25 डाकियों और तमाम आला अफसरों को लगाया गया है। कोशिश यही है कि संक्रमितों को घर बैठे दवाइयां और जरूरत का सामान मिल जाए। सभी डाकघर के लोग लगे हुए हैं, करीब करीब जितने भी हमारे डिलीवरी ऑफिसेज हैं, चाहे वो बुनियादगंज हो, गयारस हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, सिरघाटी हो, बाराचट्टी हो, ये सारे जगह से हमारे यहाँ से डिलीवरी की जा रही है। सारे हमारे जो स्टाफ हैं सब सारे लगे हुए हैं, हमारे पोस्टमैन भी लगे हुए हैं। इंटरनेट के दौर में गांव देहात में डाक विभाग की पकड़ और पहुंच है। गांव में पहले डाकियों का ताल्लुक चिट्ठी बांटने के अलावा उनके दुख सुख में शामिल होने का भी था। कोरोना काल में डाकियों का वो रूप फिर से लौट आया है। श्रीधर जैसे डाकिये उम्मीद बनकर कोरोना मरीजों तक पहुंच रहे हैं। पंकज कुमार, गया, गुड न्यूज टुडे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन नई खबरों के लिए देखते रहिए GNT।